हेलो दोस्तों, अब से तो शुरू हो जाएगा त्योहारों का सीजन, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ सात्विक खाना बना के दिखाऊं। तो चलिए, आज हम बनाने रह जा रहे हैं डालमा। डालमा जो उड़ीसा पे आप कहीं पे भी जाओ, जो सबकी मन पसंदीदा एक रेसिपी है, किसी भी घर पे भी जाओ, वो सबसे पहले आपको राइस के साथ सर्व करेंगे डालमा। तो चलिए देख लेते हैं दालमा बनाने के लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो दालमा बनाने के लिए मैंने यहाँ ली रखी है थोड़ी सी पोटैटो, थोड़ी सी बीन, थोड़ी सी कर्ली फ्लावर, थोड़ी सी रॉ बनाना, थोड़ी सी कैरेट, टमाटो, थोड़ी सी पम्पकिन और ब्रिंजल। आप यहाँ कुछ भी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और किसी त्योहार में अगर कोई भी वेजिटेबल आप नहीं खाते हो, सपोज ब्रिंजल हो गया या कर्ली फ्लावर हो गया, तो इसी के जगह आप यम यूज कर सकते हो, या फिर स्वीट पोटैटो वो भी आप यूज कर सकते हो इस पे। और इसके साथ जैसे कि मैंने बोला था दालमा बनाने के लिए तो दाल ही चाहिए, तो यहाँ मैंने ले रखी है 100 ग्राम्स मूंग दाल। इसके साथ मैंने ली रखी है 50 ग्राम्स अरहद की दाल। आप किस अगर चाहो तो एक दाल से भी इसे बना सकते हो। इसके साथ हमें चाहिए थोड़ी सी अदरक और ग्रीन चिली और थोड़ी सी हल्दी और नमक और घी। तो दालमा बनाने के लिए जैसे मैंने ली रखी थी मूंग दाल, मूंग दाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा भून लूंगी इसे, क्योंकि भूनने के बाद इसका स्मेल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहो तो इसे बिना भूने ही साफ करके दाल में डाल सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा सा भून रही हूँ क्योंकि इसका स्मेल और ज्यादा बढ़ जाएगा दालमा में। तो इसे ज्यादा नहीं, बस धीमी आंच पे लगभग 5 मिनट तक इसे मैं भून लूंगी। ये देखिए भूनने के बाद इसका कलर इस तरह आ जाएगा। तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है इसमें, सिर्फ ऐसे ही भून लीजिए। ये जलना नहीं चाहिए, चारों तरफ से सिर्फ ये भून लेना चाहिए। ये देखिए हो चुका है, अब हम इसे साफ कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था सिर्फ मूंग दाल को ही थोड़ा सा भून लेना है, अरहर दाल को नहीं भूनना है। अब बना लेते हैं दालमा। ये देखिए गैस के ऊपर मैंने कुकर चढ़ा लिया है, जल्दी ये बहुत जल्दी ही बन जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। ये देखिए दाल मैंने जो ऑलरेडी मैंने साफ करके यहाँ रखी है उसमें डाल रही हूँ। और जितना आपने डाल लिया है, अगर 1 कप या 2 कप, उसी के हिसाब से 2 टाइम्स आप पानी इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर मैं सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर लूंगी। जो जिंजर और हरी मिर्च, अदरक और हरी मिर्च मैंने दिखाया था आपको, उसी का मैंने एक पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा मैं उबलने के लिए इसमें प्रेशर कुकर में डाल लूंगी, और थोड़ा सा जब मैं छोंक लगाऊंगी उसके लिए मैं रख रही हूँ। थोड़ा सा बस इसमें डाल लेना है। ये सब्जी के साथ मिल जाएंगे तो अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। और इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक। ये देखिए मैंने सारे वेजिटेबल इसमें ऐड कर लिया है। अगर गाढ़ा आप ज्यादा चाहते हो या कम चाहते हो, उसी के हिसाब से आप पानी थोड़ा ज्यादा या कम कर सकते हो। अब हम इसे बंद कर लेंगे, 1 सीटी आने तक मैं वेट करूंगी। आपने आंच धीमी कर ली है, धीमी आंच पे और 1 सीटी आ जाएगा, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। दालमा को तड़का लगाने के लिए हमने ली रखी है यहाँ पे थोड़ी सी सूखी मिर्च, थोड़ी सी तेज पत्ता, उसके साथ थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी कलौंजी,
थोड़ी सी सरसों और थोड़ी सी जीरा। ये देखिए मैंने यहाँ सब मिला लिया है, लेकिन आप डरिए मत, इतना सब इसमें डालमा में छौंक नहीं लगाना है। ये सब हमें बना के रख लेना है, जब भी आप डालमा बनाते हो या फिर कोई भी दाल फ्राई वगैरह बनाते हो तो जीरा की जगह आप इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि और ज्यादा इसका फ्लेवर बढ़ाएगी। ये दो सीटी आ चुका है, कुछ देर बाद मैं इसे खोल रही हूँ। ये देखिए सारे वेजिटेबल्स दाल सब पक चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला था ये सात्विक खाना है, तो इसमें हम लोग कोई भी प्याज और लहसुन इसमें नहीं डालेंगे छौंकने के लिए। आप उनमें से तड़का लगा लेंगे दालमा को। ये देखिए तड़का लगाने के लिए मैंने पैन चढ़ा लिया है। पैन थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी देसी घी। ये हो गया, बस थोड़ी सी घी, उसके ऊपर जो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने थोड़ा सा डालमा में डाल दिया था मैंने, और बाकी हम इसमें डाल लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग भून लेंगे। ये देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद इसे साइड करके मैं डाल लूंगी सूखी मिर्च, तेज पत्ता और जो मसाला हमने बनाया था, बस इतना सा ही डालना है। इसे बस थोड़ी देर हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये देखिए छौंक रेडी हो चुका है, अब हम इसे डालमा के ऊपर डाल लेंगे। देसी घी के वजह से इसकी खुशबू और ज्यादा आ रही है। जब ये डालमा के साथ मिक्स हो जाएगा तो आप एक बार बनाइए, खाने के बाद मुझे बताइए कितना अच्छा लगेगा वो आपको। अब हम इसे पूरी तरह से मिला लेंगे। डालमा तो रेडी हो चुका है, अगर आप चाहो तो थोड़ी सी जीरा और सूखी मिर्च एक पैन पे थोड़ा सा फ्राई करके उसे आप पीस लीजिए या फिर मिक्सर में मिक्स कर लीजिए, उसके बाद इस तरह का एक पेस्ट आएगा आपको। सूखी मिर्च और जीरा का जो पाउडर है अब हम इसे दालमा के ऊपर डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर चाहो तो आप डाल सकते हो या फिर नहीं भी। ये देखिए दोस्तों रेडी हो चुका है हमारा दालमा, जो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो आप एक साइड में चावल चढ़ा के दूसरी साइड में दालमा बना के बहुत जल्दी आप खा सकते हो। तो प्लीज ट्राई करिए हमारा दालमा, जो कि ओडिशा का बहुत ही फेमस डिश है, और प्लीज हमें बताइए कैसा लगा आपको हमारा दालमा।